स्वाम के लायक लड़की नहीं है। देखो देखो देखो, फालतू बात नहीं करो। अरे सच्ची कह रहे हैं, अभी गौरा गरीब परिवार है, उससे हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन ना तो वो पढ़ी लिखी है, ना उठने बैठने का तमीज है उसको। तुमसे विनती करते, हमें चाहे कुछ भी कह लो, पीट लो, मार लो, हमारे बाल उखाड़ लो, लेकिन सोम का ये बयान ना होने दो। अरे सोम को एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अगर गौरा का ब्याह सोम से हो गया ना, तो सोम कभी खुश नहीं रह पाएगा। माफ करना, हमें नहीं पता था ये डिरामा बालों का कमरा है, सॉरी। दादी, हाँ मैं आपकी गौरा। अजय, चेहरे को तुमने काला काय कर रखा है। सोम तुमको ऐसे देखेगा ना, तो तुमसे सगाई करना तो दूर की बात है, अरे वो तो बनारस छोड़ के भाग जाएगा। दादी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके परिवार के लायक नहीं है। कोई बात नहीं, हम ठीक कर देते हैं जे मुए काजल को। ऐसे करो। सुन, तुम गौरा भाभी को ट्विंकल भाभी के बारे में बता काहे नहीं देते? उससे क्या होगा बे? अरे उससे गौरा भाभी तुम्हारी लाइफ से आउट और ट्विंकल भाभी इन हो जाएंगी। तुम ज्यादा ज्ञान मत पेलो, दिमाग हमारा वैसे ही आउट है ऊपर। अब हमें समझा, गौरा भाभी भी तुम्हें पसंद हैं। अरे बोलो, उसको आज तक हम गौरा का चेहरा भी नहीं देखे बे। अच्छा, तो फिर ट्विंकल भाभी को छोड़ के गौरा के संग सगाई काहे कर रहे हो? सब दादी फाइनल की। वो रुक काहे गई? छोटी मालकिन, ये तो एकदम आगे ही नहीं बढ़ रही है, लग रहा जैसे इसके ऊपर कोई और आके बैठ गया है। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। अरे छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, चिल्ला काहे रही? क्या कर रहे हैं आप, कुछ बोल ही नहीं रही हैं? हाँ, हमको तो तुम्हारी कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ तुम्हारा मुंह चल रहा था। अरे हम तो ये कह रहे थे कि ट्विंकल भाभी अभी भी तुमसे प्यार करती है, हमें बस दिख रहा है। अरे तुम चुप करो, चुप करो, और बार बार ट्विंकल को भाभी बोलना बंद करो। अरे भाभी, फिर भाभी, फिर वही बात, पीटेंगे तुमको। नहीं नहीं गौरा भाभी। वो देखो, वो रहा तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी सास भूत है, सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।